दो साल में जो हमारे हमसाए हैं, इंडिया 11.3% से ग्रो किया है, बांग्लादेश 9.8% से ग्रो किया, और पाकिस्तान जब से नीति आई है, ये कोविड तो 3 महीने था ना भाई, -0.7% से नीचे गई है इनकी। और ये सारे नंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता इस पे ये बताने के। इसके अलावा अब ये जो कह रहे हैं कि जी अगले साल, मैं अभी कह रहा हूं कि हम अपने टारगेट शायद पूरे ना कर सके, इसलिए नहीं कर सके कि आपके सारे जो एस्टिमेट्स हैं वो ठीक नहीं है। जब इधर फिर कल एक्चुअली नेशनल असेंबली में, मुझे नहीं पता था कि नेशनल असेंबली, मैंने बाद में सुनी, इधर मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन में सुना था कि हमारी टैक्स 17% से ग्रो की है 9 महीने में। गलत, मार्च 2019 तक यानी 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक एफबीआर ने कलेक्ट किए थे 2.705 ट्रिलियन। इस साल हाँ ज्यादा किए, मार्च 2020 तक पिछले 9 महीनों में जो गुजरे थे 3.044 ट्रिलियन, 12.5% की ग्रोथ हुई। इसको आप बता रहे हैं कि ये 17% की ग्रोथ है, आपने गलत बयानी की आदत है। अच्छा, अब आप, मैं आपको बताता हूँ, ये कंपेयर कर लें जो सूबों की परफॉर्मेंस है, खासतौर पर सूबे एसएम की बाकी सूबों से। एफपीआर की जो ग्रोथ है पिछले, ये भी कहा गया कि 17% कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास है नंबर्स। 2013-14 में 16% से एफबीआर के टैक्सेस ने ग्रो किया, 14-15 में 14%, 15-16 में 21%, 16-17 में 8% और 17-18 में 14%। 17-18 कौन आया 18-19 में? भाई